बार पूछा नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है, मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा भैया बता दो रिश्ता क्या है, कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है सब जगह उनको फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया, मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इसराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजा पाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है, मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा भैया बता दो रिश्ता क्या है, और मैंने ऐसे फोटो दिखाई उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए, कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है, मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए, और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है रक्षा क्यों कर रही है, क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है।